वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। विजन 1469 विच तुहाडा स्वागत है। तुसी देख रहे हो प्रोग्राम हम हिंदू नहीं। इस प्रोग्राम दे पिछले एपीसोड दे विच एक प्रकरण चलिया आ रहा सी, जिहड़ा असीं पिछे विचार करदे आ रहे हां, वह है उपासना। हिंदू धर्म के उपासना और सिख धर्म के उपासना के तरीका वक्रा है। हिंदू जड़े है वक् वक् देवी देवते मानते हैं, जदों के सिख केवल तो केवल एक अकाल पुरख वाहिगुरु को मानता है। यही जड़ी है प्रकरण चलिया आ रहा है। हिंदू वीर के सवाल हैं भी तुहाडे जड़े ग्रंथां दे विच तुहाडे जड़े गुरु ने, इत्थे तक वो कहिंदे ने मैं गुरु गोबिंद सिंह का हवाला दे के कहिंदे ने भी उन्होंने भी देवी की आराधना की, जिदी असं पिछले एपीसोड के एक सिख का जिहड़ा जवाब से भी गुरु साहब ने वह जिहड़ी महाकाल कालका आराधी का उन्होंने हवाला दिता से, उहदा जवाब जिहड़ा है वह सिख ने कहा भी अजिहा नहीं है, भी वह कालका है जां महाकाल किहनूं कहा है। वह सारा पिछे जो प्रकरण पंज तरह के भाई कान सिंह नाभा ने एक सिख के रूप में जिहड़ा अपनी किताब हम हिंदू विच लिखिया, उहदे विच पंज उन्होंने उदाहरण दित्तियां भी इह जिहड़े सिख है वह किवें एक अकाल पुरख की ही पूजा करते हैं, ना कि देवी देवत्यां दी। हुण अगे हिंदू वीर का सवाल है भी जे तुसी ठीक है, तुसी इदां कह रहे हो भी हुण वह अरदास का हवाला दिंदे ने जिहदे च कि प्रथम भगवती सिमरका है उहदी पंक्ति का हवाला दे रहे ने, की सवाल करते हैं, की हुण सिख का जवाब है, वह असीं अज दे एपीसोड दे विच विचार करते हैं। हिंदू वीर का सवाल सी, सिखां दा नित अरदास वेले यह पढ़ना कि प्रथम भगवती सिमरका है गुरु नानक लई ध्याए, ये जिदा जिहड़ी अरदास शुरू हुंदी है चंडी दी वार दे विचों हैगा ये, ते ये दोहरा उन्हें पढ़ के दस्या भी इहदे विच साफ सिद्ध करता है कि खालसा धर्म विच देवी उपासना है। असल विच भगवती पद संस्कृत भगवती है जिहदा अर्थ देवी है। गुरु गोबिंद सिंह जी फारसी अक्षरां विच अपनी कविता लिखिया करते से, सो भगवती और भगवती एकों पढ़िया जाता है। गुरमुखी लिखारियां ने असल शुद्ध पाठ समझे बिना भगवती की थां भगवती लिख दिता है। सो कहिंदे भी यह जिहड़ा प्रथम भगवती है ये भगवती है जिन्हों जिहड़ी कि एक देवी नूं कहा जाता है, यह इहदे अर्थ देवी ने। तो गुरु साहब ने कहा भी प्रथम भगवती सिमरके, सब तो पहला भी देवी नूं सिमरके। सो कहिंदे भी ये तो सिद्ध है भी खालसा धर्म जिहड़ा हैगा वह देवी की उपासना करता। हुण सिख का की जवाब है वो आपां पढ़दे हां। भगवती पद पर गुरमत सुधाकर विच चर्चा की गई है, आप उसनों देख के संसार मिटा सकते हो, पर असी आपनों दो चार प्रश्न करते हाँ जिन्हों तो आप दी तसली हो जाएगी। हुण इत्थे गुरमत सुधाकर एक नाम आया, यह है पुस्तक का नाम जिहड़ी कि भाई कान सिंह नाभा ने लिखी हुई है, जिहदे विच उन्होंने भगवती शब्द के विस्थार नाल चर्चा की है। वो कहिंदे ने उहदा फुटनोट दिता भी देखो इहदी एडिशन ना, दूजी एडिशन देखो तो पन्ना जिहड़ा हैगा 44 तो लैके 47 तक। यह गुरमत सुधाकर दे विच कहिंदे भगवती का तुहानू जिहड़ा है वह संकल्प पता लग जाए भी सिख धर्म विच भगवती किहनू कहा गया है, पर फिर भी कहिंदे मैं दो चार उदाहरण तुहानू इहदे विच दिंदा हाँ। एक लिखदे ने चंडी दी वार विच पाठ है, लई भगवती दुर्ग शाह वरजा गण भारी, लाई राजे सुंभ नू रत पिए प्यारी, कि इसका भाव यह है कि दुर्गा ने भगवती फड़ के राजे सुंभ दे सिर विच मारी जिसने उसका लहू चख्या। दूजी उदाहरण दिंदे ने कि गुरु अर्जन साहिब भी फारसी अखरां विच शब्द लिखिया करते से जिन्हां दी नकल करन वेले भाई गुरदास जी धोखा खा गए, देखो सुखमनी का पाठ। भगवती भगवंत भगत का रंग, सगल त्यागै दुष्ट का संग, साध संग पापा मल खोवै तिस भगवती की मत उत्तम होवै, हर के चरण हृदय बसावै नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावै। ये सुखनी दी बाणी दे विच्चों 274 अंग तों भाई कान सिंह नाभा ने जिहड़ा हवाला दिता है। इस लिखदे ने भी क्यों साहब ये भगवती है जां भगवती और स्त्रीलिंग है जां पुलिंग। हुण तीजी उदाहरण दिंदे ने भगवती स्तोत्र
और भाई गुरदास जी की बाणी विच लिखा है, नमो श्री भगवती वडैली सरोही नाओ भगवती लिहो कड़ासा। ये भाई गुरदास जी की वार दे विच है। तो उपर जिहड़ा लिखा नमो श्री भगवती वडैली सरोही, ये भगवती स्तोत्र 71 ते लिखा है। 70 जिहड़ी पहली है उहदे विच लिखा है कि भगवती देवी नू साण पर बाड़ चढ़ाया जाता है और कि वह लोहे की घड़ी हुई है। मेरे प्रेमी हिंदू जी दबिस्तान मजहब दे करता ने एक अखी देखिया प्रसंग देवी का लिखा है, जिस तो गुरसिखा विच देवी दे सन्मान की असलियत प्रगट होंदी है। ध्यान दे के सुनिए हुण एक प्रसंग की गल कर लगे। यह दबिस्तान मजहब पुस्तक जिहड़ी हैगी है, इहदे असी पिछे भी गल करी सी। ये पुस्तक एक ईरानी बंदे ने लिखी सी, जिहड़ा कि हरगोबिंद पातशाह दे समें दा सी ते ओह गुरु हरगोबिंद पातशाह कोल आया जाया करदा सी। तो उन्हें अखी डिठा हाल जिहड़ा है वह अपना उन्हें लिखिया। तो हुण वह कहिंदे ने वी इह जिहड़ी भगवती है ये देवी नहीं, सगों एक जिहड़ा शस्त्र है कृपान है उहदे लई प्रयोग किया जाता है। कि यह सारा उन्होंने उदाहरणां दित्तियां है। गाह की है वह प्रसंग जिहड़ा वह दबिस्तान मजहब के करता ने लिखिया है, वह आपां पढ़दे हाँ। गुरु हरगोबिंद जी कीरतपुर पहुँचे जो राजा तारा चंद की राजधानी विच सी। उत्थां दे लोक मूर्ति पूजक सन। पहाड़ दे सिर पर एक नैणा देवी का मंदिर सी जिस नूं पूजण लई एक भैरव नामी गुरु दे सिख ने मंदिर विच पहुँच के नैणा देवी का नक तोड़ सुटिया। इस गल की चर्चा सारे फैल गई। पहाड़ी राजिया ने गुरु साहब पास पहुँच के सिख की शिकायत की। गुरु साहब ने भैरव सिख नूं राजिया के सामने बुला के पुछया तो उसने आख्या कि देवी तो पुछना चाहिए है कि उसका नक किसने तोड़िया है। इस पर राजिया ने भैरव नूं आख्या कि हे मूर्ख, कदे देवी भी गल्लां कर सकती है। भैरव ने हस के जवाब दिता कि जो देवी बोल नहीं सकती और अपने अंगा नूं बचा नहीं सकती, तुसी उस तो नेकी दी की उम्मीद रखते हो। इस गल नूं सुन के राजे चुप हो गए। हुण एक फुटनोट दिता है जिहड़ा नक तोड़न वाली गल ते। की फुटनोट दिता है? गुरु साहब ने सिख दे इस कर्म नूं सभ्यता दा नहीं समझिया, पर इस प्रसंग तो सिखां विच मूर्ति पूजा संबंधी ख्याल प्रगट हो जाता है। इस फुटनोट के भाई कान सिंह नाभा ने यह लिखा है भी यह जिहड़ी नक तोड़न वाली जिहड़ी घटना है इहनूं गुरु साहब ने सभ्यक नहीं मन्निया। ते पर इस तो कहिंदे सिद्ध जरूर हुंदा भी सिख जिहड़े हैगे उन्हां दे विच देवी पूजा दा जिहड़ा हैगा जिहड़ा ख्याल सी किहो जिहा ख्याल रखदे सी सिख जिहड़े है उदों दे गुरु साहिबान दे समें, गुरु गोबिंद सिंह तो पहलां गुरु हरगोबिंद साहिब दे समें भी सिखां दे विच जिहड़े देवी देवतिआं दी पूजा दे संबंधी उन्हां दा कोई इन्ना चंगा ख्याल नहीं सी हैगा। उह सिर्फ ते सिर्फ एक अपने इष्ट वाहिगुरू नूं ही मानदे सी, बाकी देवी देवतिआं दा उन्हां दा उन्हां प्रति कोई ज़्यादा श्रद्धा जिहड़ी सी नहीं सी। सो इस तो यह ख्याल प्रगट हुंदा है, पर कहिंदे भी इस तरह का उन्हूं गुरु साहब ने इहनूं सभ्यक नहीं मन्निया। यह उन्होंने इस गल का जिहड़ा है फुटनोट दिता है भी नक तोड़न वाली जी सभ्यक नहीं सी गल उस सिख की। इस चले हुए देवी दे प्रसंग विच मुनासिब मालूम हुंदा है कि असी अपने सिख भाइयों नाल भी दो गल्लां देवी बाबत करिए। प्यारे गुरु नानक पंथियो, हुण भाई कान सिंह नाभा जिहड़े अपने सिख भाई ने उन्होंने कुछ विचार जिहड़ी है वह करन दी भी दो गल्लां मैं अपने सिख भाइयों नाल करां। की गल्लां ने? उह कहिंदे ने प्यारे गुरु नानक पंथियो, सब तो पहला आप यह विचारो कि देवी कौन होई है और उसने संसार का की उपकार किया है। पुराणा तो यही पता लगता है कि वह हिमालिया की बेटी सी और शिवजी नूं व्याही गई सी, इस वास्ते उसके नाऊँ पार्वती गिरिजा और शिवा आदि हैं। उसने देवत्या की हिमायत विच दैंता नाल युद्ध किया और इंद्र नूं कई बार राजगद्दी मुड़ दवा दित्ती। और इंद्र वह देवता है जो सारा दिन अप्सरां दा नाच और तमाशा देखता होया ऐश आराम विच समा बिता है। और पुराणा तो पता लगता है कि कोई ऋषि ऐसा नहीं जिस दे भजन और तप विच विघन पाउण वास्ते इंद्र ने लुचियां तीवियां ना भेजियां होण। और वह खुद ऋषियां दियां इस्त्रियां नाल विचार करता रहा है।
ਜਿਹਾ ਕਿ ਅਹਲਿਆ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਵਿਭਚਾਰੀ ਔਰ ਕੁਕਰਮੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਕੇ ਦੇਵੀ ਨੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇੰਦਰ ਨੇ ਰਾਜ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ, ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਆਦਿਕ ਜੋ ਅਸਥਾਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਇਉਂ ਹੈ ਕਿ ਦਸ਼ ਦੇ ਯੱਗ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਬੇਟੀ ਸਤੀ ਬਿਨਾਂ ਬੁਲਾਈ ਚਲੀ ਗਈ ਔਰ ਉਸਨੇ ਯੱਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹਵਨ ਕੁੰਡ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰੀ। ਖਬਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀਰਭੱਦਰ ਅਥਵਾ ਸ਼ਿਵਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦਗਧ ਹੁੰਦੀ ਸਤੀ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਪਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਝਟਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤੀ ਦੇ ਅੰਗ ਬਿਖਰ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਡਿੱਗੇ ਉਹੀ ਉਹੀ ਪੂਜਿਆ ਅਸਥਾਨ ਬਣ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਖਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਜੀਭ ਡਿੱਗੀ ਉੱਥੇ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਅੰਗਾਂ ਤੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਅਸਥਾਨ ਬਣੇ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਤੋਂ ਜੇ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯੁੱਧ ਵਿੱਦਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਹੋਣਾ ਲੋੜੀਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀ ਬੇਟੀ ਅਥਵਾ ਅਸ਼ਟਪੁਜੀ ਆਦਿਕ ਸਰੂਪ ਵਾਲੀ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੂਜਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਹੈ ਜਾਂ ਅਭਿੰਨ, ਜੜ ਹੈ ਅਥਵਾ ਚੇਤਨ ਔਰ ਅਨਿੱਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਿੱਤ। ਜੇ ਦੇਵੀ ਅਕਾਲ ਤੋਂ ਭਿੰਨ, ਚੇਤਨ ਔਰ ਨਿੱਤ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਸਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਓਂਕਾਰ ਦੇ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਏਕਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਉੱਪਰ ਹੜਤਾਲ ਫੇਰਨ ਦੇ ਫਿਕਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਔਰ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਪਤਿਤ ਹੋ। ਔਰ ਜੇ ਦੇਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਸ਼ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਉਸਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਾਤਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਦੇਵੀ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਭਿੰਨ ਪੂਜਣਾ ਵੀ ਮਹਾਂ ਅਗਿਆਨ ਔਰ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਦੇਵੀ ਕੋਈ ਜੜ ਔਰ ਅਨਿੱਤ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸਦੀ ਪੂਜਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦੇਵੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਓ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਨਾਨਕੀ, ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ, ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ, ਬੀਬੀ ਬੀਰੋ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਔਰ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਦੇਵੀਆਂ ਹਨ। ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚਰਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਨਿਆਂ ਪਰ ਤੁਰੋ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੇ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਓ ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਪ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਸਫਲ ਹੋਵੇ ਔਰ ਆਪ ਕਲਗੀਧਰ ਪੂਜ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਕਹਾਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣੋ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਸੁਧਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣੇ ਜਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੇਵੀਆਂ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇਵੀ ਹੈ ਜੋ ਕਲਗੀਧਰ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਬਿਨਾਂ ਆਪ ਉਤਨੇ ਹੀ ਪਤਿਤ ਹੋ ਜਿਤਨੇ ਜਨੇਊ ਬਿਨਾਂ ਹਿੰਦੂ ਦਿਵਿਜ ਹੈ। ਔਰ ਉਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇ ਤੁਫੈਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਅਨਿਆਏ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਫੌਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਪਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਭੂਸ਼ਣ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਦੇਵੀ ਇਹ ਹੈ, ਨਮੋ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਬਡੈਲੀ ਸਰੋਹੀ ਕਰੇ ਏਕ ਤੇ ਦਵੈ ਸੁਪਟ ਹਾਥ ਸੋਹੀ, ਭਗਵਤੀ ਸਤੋਤਰ 17:1-2। ਜੋ ਮਿਆਨ ਤੇ ਵੀਰ ਤੋਂ ਕੋ ਸੜਕੈ, ਪ੍ਰਲੈ ਕਾਲ ਕੇ ਸਿੰਧ ਬਕੈ ਕੜਕੈ, ਤਸੈ ਖੇਤ ਮੈਂ ਹਾਥ ਲੈ ਤੋਹੇ ਸੂਰੇ, ਭਿਰੈ ਸਮੂਹੈ ਸਿੱਧ ਸਾਵੰਤ ਸੂਰੇ। ਇਹ ਵੀ ਭਗਵਤੀ ਸਤੋਤਰ 17:21-24 ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਭਗਵਤੀ ਸਤੋਤਰ 17:21 ਜਿਹੜੀ 17 ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 21-24 ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਤ ਹੈ ਪੁਰਾਤਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਅਭਿਆਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਚਾਰਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਉਹ ਸਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਮਾਫ਼ੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰੇ ਭਾਈਓ, ਇਹਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਦੇਵੀਆਂ ਤੋਂ ਬੇਮੁੱਖ ਹੋ ਕੇ ਜਿਤਨਾ ਧਨ ਆਪ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋੜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਲੋਹੂ ਪੀੜੀਆਂ ਕਲਪਿਤ ਦੇਵੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਪਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਤਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸਪੁੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਘਰ ਘਰ ਦੇਵੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਹਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ਾਂਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਤਾਨ ਆਪ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੀ ਔਰ ਕ੍ਰਿਤਿਗਿਆ ਔਰ ਕਿਰਤਾਰਥ ਹੁੰਦੀ। ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈ
जे आप अपनी कौम तथा देश की उन्नति चाहते हो तद उत्तम विद्यालय खोल के जिन्हां विच कौमी जीवन उत्पन्न किया जाए धर्मवान बलवान और प्रतापमान देवियां उत्पन्न करो जिस तों आपकी दैवी संतान सतगुरु नानक देव जी की सिक्ख्या के आसरे कोल कलिकाल नूं सतयुग विच पलट देवे। सो इस तरह भाई कान सिंह नाभा ने एक सिख के रूप जो जवाब लिखा है जिहड़ा कि हिंदू वीर का सवाल सी कि जिहड़ी तुहाडी अरदास आ उहदे विच भगौती शब्द जिहड़ा वरत्या गया है तो वह भगौती की है उहदे बारे उन्होंने दस्सिया भी वह भगौती भगवती नहीं है वह भगौती जिहड़ी है कृपान श्री साहब लई वरत्या गया है जिहदे उन्होंने हवाले भी दित्ते ते गुरमत सुधाकर किताब का हवाला भी दिता भी उन्होंने तुसीं पढ़ो जिहड़ी कि भाई कान सिंह नाभा ने लिखी उहदा उन्होंने जिहड़ा है पेज भी दिता है भी उस पेज पर जाके पन्ना जिहड़ा हैगा 44 ते 47 ते सारा तुहानूं पता लग जाएगा भी भगवती और भगौती विच की अंतर है। तो दबिस्तान मजाहब जिहड़ी नामक पुस्तक है ईरानी लिखारी की है जिहड़ा कि गुरु हरगोबिंद पातशाह के दरबार में आया जा करता सी तो उन्हें अखी ठहाल जिहड़ा अपनी किताब के विच दिता है उहदा भी हवाला दे के उन्होंने दस्सिया भी जिहड़े सिखां दा किहो जिहा ख्याल सी देवियां देवी पूजा के संबंध में इन्ना उन्होंने शरदा इन्नी नहीं सी वह तो केवल से केवल वाहिगुरू जां गुरु गोबिंद सिंह जी का जिहड़ा जिहड़ा नीचा सी उहदे ते उह चलदे सी। सो भाई कान सिंह नाभा अपने जिहड़े सिख भाई आ उन्होंने भी बेनती करदे आ कि तुसीं अपने बच्चों नूं चंगे चंगे स्कूलों कालजां विद्यालयों के पढ़ाओ उन्होंने चंगी सिक्ख्या दो उन्होंने बीबी जिहड़ी साडियां देवतियां ने बीबी नानकी जी बीबी अमरो बीबी भानी बीबी वीरो बीबी माता साहिब कौर माता सुंदरी जी ते माई भागो जे हैं जिहड़े उन्होंने जिहड़े जीवन बारे उन्होंने जाणू कराओ तो उन्होंने जिहड़े गुण है अपने बच्चों के पैदा करो। सो अगे मूर्ति पूजा का हैडिंग दिता है जिन्हों के असी अगले एपीसोड के विचारांगे। इस एपीसोड के इन्ना ही अज का जिहड़ा सवाल सी हिंदू वीर का वह भी प्रथम भगौती सिमर कह दे भी जिहड़ी भगौती है वह भगवती एक देवी नूं लैके मानते सी जदों कि भाई कान सिंह नाभा ने सिद्ध किया कि यह जिहड़ा है भगौती जिहड़ा है कृपान श्री साहब लई वरत्या गया शब्द है जिन्हों वख वख हवाले भी उन्होंने दे के समझाया है। सो तुसीं जुड़े रहो इस तरह इस प्रोग्राम दे नाल ते जे तुहानूं इह प्रोग्राम चंगा लग्या तां इहनूं वध तों वध शेयर करो तां जो उहनां सारे वीरां भैणां तक इहनूं पहुँचाया जा सके जो सिखिज़म नूं जानना चाहते हैं ते जो सिख धर्म की विलक्षणता तों जाणू होना चाहते हैं चाहे वह सिख ने चाहे वह नॉन सिख ने। तो इस प्रोग्राम का केवल तो केवल मकसद यही है भी सिखी की जिहड़ी विलक्षण पहचान है उहनूं सारे सामने लियाया जाए। तो भाई कान सिंह नाभा ने बहुत अच्छी पुस्तक लिखी है जिहदे विच गुरमत विचारां गुरमत का जिहड़ा सिधांत है गुरमत के जिहड़े असूल है उन्होंने अगे रख के अपने एक सिखी का जिहड़ा सिधांत है वह सारा स्पष्ट किया ते वख वख जिहड़े हैगे है धार्मिक हवाले दे के धार्मिक पुस्तकों के हवाले दे के वख वख होर जिहड़े ग्रंथ ने जिहड़े गुरु साहब के समकाली ग्रंथ ने ग्रंथकार उन्होंने हवाले दे के एक वड्डी घालना करके उन्होंने पुस्तक लिखी है तो बड़ी ही जिहड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है जिहड़ी कि सानू सारयां नूं इह पुस्तक पढ़नी चाहिए है। सो इस नूं वध तों वध शेयर करो पुस्तक नूं भी पढ़ो तो इस प्रोग्राम नूं भी वध तों वध शेयर करो तो होईआं भुल्लां चुक्कां दी खीमां जुड़े रहो इस तरह विजन 4069 नाल। तो मैनूं दो इजाज़त वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।